ना अब वह इस कोठी में है ना इसमें है, कैनेडा चले गए हैं अपने बच्चों को लेकर, और चाबियां जाते हुए दे गए पे 21 दिन का जाप होगा, दिन भर और रात्रि भर जैसे आप चाहें आके यहाँ पर साधक रुकें। तो मैंने ब्रजेश जी को कहा दो बाथरूम हैं इसमें गीजर लगवा दें, जो बाहर से ज़्यादा दिन आके रुकना चाहें जाप के लिए तो उनको सहूलियत हो जाएगी, किचन चालू कर देंगे तो भोजन भी वहाँ पर बनता रहेगा, चाय पान भी बनता रहेगा। तो कुछ तो देवियों ने ये कहा कि हम रोज़ इतनी दूर से आते हैं, 100 रुपया आने का 100 रुपया जाने का होता है, अधिक देर बैठना चाहते हैं तो वह प्रातः काल आ जावे, जब तक जाप किया विश्राम, पीछे वहाँ पर पूरा प्रबंध होगा भोजन का भी चाय पान का भी, और सायंकाल जब जाना चाहें तो वह जा सकते हैं। ऐसे ही बाहर वालों को प्रेरणा दे देंगे कि जो 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जो अधिक से अधिक जाप में सम्मिलित होना चाहते हैं, अब ये गुरु महाराज ने ऐसा विधि बना दी, ये कोठी की चाबियां वो जाते हुए दे गए कि जितनी देर यज्ञ है तो आप इसको इस्तेमाल करो। तो ये ऐसा निर्णय किया गया कि जो जो भी यहाँ विश्राम करना चाहेंगे, भोजन का भी प्रबंध रहेगा 21 दिन, चाय पान का भी प्रबंध रहेगा, तो आप सब इसमें तात्पर्य केवल ये समय बीत रहा है, विधाता के विधान को नहीं जानते हैं हम। जो नियम अटल है, सांस जितने मिले हैं उतने ही हैं, इसका सदुपयोग कर लेना, अधिक से अधिक जाप करना और अपने जीवन को सफल बना लेना। आज सायंकाल का सत्संग मोगा में चोखा कॉम्प्लेक्स जवाहर नगर।